नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं के बारे में। क्या आप उपाय कर सकते हैं, कैसे इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, आज विस्तार से इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप मोती धारण करते हैं तो एक मोती का जीवन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल का होता है। इसके बाद मोती प्रभावहीन हो जाती है, तो 2-3 साल के बाद धारण की गई मोती बदल देनी चाहिए। अगर 3 साल से ज्यादा आप मोती पहनेंगे तो एक तो मोती घिस जाएगी, तो घिसने के बाद इसके निगेटिव वाइब्रेशन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं 22 अक्टूबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 22 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि चंद्रमा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और अगर ये खराब हो तो हमारे जीवन में क्या समस्याएं आ सकती हैं? जी देखिए, चंद्रमा हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और ज्योतिष में भी चंद्रमा के बिना सामान्यतः गणनाएं नहीं हो सकती। कितना महत्वपूर्ण है देखिए, ये बात हम सब जानते हैं, हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का ग्रह है। चंद्रमा मनसो जायतः, मन का अधिपति है। ये हमारी सोच को और हमारे विचार को प्रभावित करता है। हम सोचते कैसा हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, ये बात चंद्रमा बताता है। चंद्रमा के माध्यम से ही सारे ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। देखिए, चंद्रमा से हम राशि जानते हैं, और राशि के अनुपात में बाकी ग्रहों को हम देखते हैं और समझते हैं। चंद्रमा अगर गड़बड़ हो जाए तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्या देता है। इसके अलावा चंद्रमा अगर गड़बड़ हो तो मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं, मन में हमेशा तनाव बना रहता है। यानी चंद्रमा अगर गड़बड़ हुआ तो जीवन में आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। मन की चिंताएं, मन का तनाव, बेवजह का थॉट प्रोसेस आपको परेशान करेगा, मन को लेकर के आप चैन से नहीं रह पाएंगे। अगर चंद्रमा के कारण मन की समस्या हो, क्योंकि चंद्रमा को वैसे भी मन का कारक कहा जाता है, तो ऐसी समस्या को कैसे दूर करें पंडित जी, ये जानना चाहेंगे। अब अगर चंद्रमा की वजह से आपके मन में दिक्कतें होती हों, हर समय चिंता होती हो, छोटी छोटी बात से आप परेशान हो जाते हों, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम शांति पूर्वक बैठ करके इत्मीनान से
नमः शिवाय का जप करेंगे, जब भी स्नान करेंगे जल में थोड़ी सी सुगंध मिला लेंगे, गुलाब जल मिलाकर, केवड़ा जल मिलाकर, या नहाने की बहुत सारी खुशबुएं आती हैं उसको जल में डालकर स्नान करिए। तामसिक भोजन, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। जलीय आहार, लिक्विड डाइट लेकर के पूर्णिमा का उपवास रखिए। पूर्णिमा को व्रत रखिए, दिन भर केवल नींबू पानी, पानी, शरबत, दूध, यही ग्रहण करिए। मोती और चांदी सोच समझ कर धारण करिए। अगर आपको हर बात में चिंता होती है, हर बात में आपका मन परेशान होता है, हर बात में आपको तनाव होता है, तो मोती और चांदी पहनने से बिना सलाह के आप मुश्किल में आ सकते हैं। इसलिए अगर मन की समस्या है, अगर कोई मानसिक दिक्कत है, तो मोती पहनने में, चांदी पहनने में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की भी। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम इस समय निपटा लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बनते हैं। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर चंद्रमा के कारण गुस्सा बहुत आता है, मूड खराब रहता है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, या जिनके चेहरे पे हमेशा 12 बजे रहते हैं, हमेशा मूड ऑफ है, कभी प्रसन्न नहीं है, हमेशा चेहरा उतरा हुआ, उदास, थकान से भरा हुआ, यानी मूड ऑफ रहता है। तो अगर चंद्रमा की वजह से आपको क्रोध की या लगातार मूड ऑफ होने की समस्या रहती है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर,
रोज सुबह सूर्य देव को अर्पित करिएगा, तेल मसालेदार और गरिष्ठ भोजन ये बंद कर दीजिएगा। तेल मसाले वाला बहुत खाना, बासी खाना, बहुत तला भुना खाना ये बंद कर दीजिएगा। रोज रात में सोने के पहले अपने पलंग पर बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करिएगा या अपने पलंग पर बैठ करके सामान्य रूप से प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आपके क्रोध की समस्या में सुधार होगा, मूड ऑफ होना बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ मन को काबू करने के लिए नियमित रूप से प्राणायाम करिएगा। और चंद्रमा खराब है, क्रोध बहुत आता है, मूड डिस्टर्ब होता है, तो काले रंग की चीजों का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दीजिएगा। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप करें तो आपका क्रोध शांत होगा और जो मूड ऑफ होने की समस्या बनी रहती है उस समस्या से आप बचे रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं आगे की राशियों की। अब जानेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस की समस्या हल होगी, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, थोड़ी सी दौड़ भाग आपकी रह सकती है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें स्नेहा जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। इनके जन्म की तारीख है 18 मार्च 1989। जन्म का समय शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड में। लिखती हैं कोलकाता से। स्नेहा जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके।
स्नेहा जी, आपके वैवाहिक जीवन में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए, और जो समस्या आप बता रही हैं वो समस्या बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जनवरी 2025 के बाद चीज़ों के बेहतर हो जाने की संभावना बनती है। क्रोध ना करें और बेवजह तनाव ना पालें। फिलहाल ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने, और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें, तो रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मोती बनवा के पहने, आपकी मुश्किलें हल हो जाएगी। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न चंद्रशेखर त्रिपाठी जी ने हमें लिखा है, लखनऊ से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 4 अप्रैल 1999। जन्म का समय शाम के 5:15 और जन्म का स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं लखनऊ से। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा काफी समय से अच्छी नौकरी पाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नौकरी में उसके उन्नति नहीं हो पा रही है, तो मेरे बेटे के करियर में उन्नति कब होगी और उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? चंद्रशेखर जी, आपके पुत्र की कुंडली में अच्छी नौकरी पाने की, अच्छे डेवलपमेंट की संभावना अप्रैल 2025 के बाद बनती है। अप्रैल 2025 के बाद ये एक बेहतर नौकरी पाएंगे और नौकरी में इनका स्थान परिवर्तन भी होगा। आने वाला समय कुल मिला जुलाकर आपके बेटे के लिए बेहतर है। वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखेंगे और डाइजेशन यानी पाचन तंत्र के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। फिलहाल अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। और दूसरा, अपने पुत्र से कहें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। अगर चंद्रमा के कारण पेट की समस्या हो रही है पंडित जी, तो क्या हम उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बृहस्पति और कुछ मात्रा में राहु जिम्मेदार होता है, लेकिन चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और मन से आपके पेट का सीधा संबंध है। आप टेंशन बहुत पालिए या आपको डर लगे, घबराहट हो, बेचैनी हो, तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा तुरंत। और जो लोग बहुत चिंता करते हैं, बहुत तनाव पालते हैं, उनका डाइजेशन कभी ठीक नहीं रहता, क्योंकि डाइजेशन से आपके मन का सीधा संबंध है। आपकी आंतों में जो केमिकल पाया जाता है, लगभग वही केमिकल आपके ब्रेन में भी पाया जाता है। तो चंद्रमा भी आपके पेट को खराब कर सकता है, आपके डाइजेशन को बिगाड़ सकता है,
और अगर ये बिगाड़ रहा है तो क्या करें? नियमित रूप से स्नान जरूर करेंगे, रोज नहाना, रोज स्नान करना जरूरी होगा। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए, बहुत ज्यादा लालच में खाना खाने से पेट पर भी बुरा असर पड़ेगा, चंद्रमा भी ज्यादा खराब होगा। भोजन जमीन पर या आसन पर अगर बैठ करके आप खाएं तो बहुत अच्छा होगा। एक चांदी का कड़ा शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को, अगर महिला हैं तो बाईं कलाई में और अगर पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में धारण करें, और रोज शाम को 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं आगे की राशियों की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है बताएं। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए, ऑफिस में विवादों से बचाव करिए, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी, हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर चंद्रमा के कारण हर समय तनाव रहता है, बहुत चिंता लगी रहती है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं ये भी बताएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर समय तनाव रहता है, छोटी छोटी बात को लेकर बड़े बड़े तनाव अपने मन में पालते हैं, चिंतित रहते हैं, विचार करते हैं, टेंशन उनका बढ़ता है। अगर चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव रहता हो तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा, अधिक से अधिक जलीय आहार, लिक्विड डाइट आप जितना ले सकें, फलों का रस, नारियल पानी, नींबू पानी, ये जितना पिए उतना अच्छा होगा, और अपनी नींद जरूर पूरी करें। चंद्रमा का नींद से भी संबंध है,
जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते चंद्रमा डिस्टर्ब होता है और उनका तनाव बढ़ जाता है। दिन में सुबह शाम जब भी मौका मिले कुछ समय तक पैदल टहलिए, दिमाग को ताकत मिलेगी। और सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करिए, पन्ना धारण करने से तनाव समाप्त होता है। लेकिन भूल कर भी आप हीरा धारण मत करिएगा। अगर आपको हर समय तनाव रहता है या तनाव पालने की कोई आदत है तो अंगुलियों में हीरा पहनना खतरनाक हो जाएगा। सबसे पहले आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और उसके बाद आपकी चिंता बढ़ जाएगी। इसलिए अगर हर समय का तनाव रहता है तो पन्ना पहनना बहुत अच्छा है और हीरा पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अब बात कर लेते हैं आखिरी तीन राशियों की। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है जानना चाहेंगे। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है। अभी नौकरी में कोई रिस्क मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें विनीत श्रीवास्तव जी ने लिखा है और विनीत जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1992। जन्म का समय भोर में अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विनीत जी, आपके विवाह का समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से साल 2025 के मध्य में 2025 के मिड में इस बात की संभावना बनती है कि आपका विवाह होगा। विवाह करने के पहले एक बार कुंडली मिला लीजिएगा, अन्यथा संतान होने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है।
फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है जिसे आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का अंतिम प्रश्न हमें कीर्ति ने लिखा है और कीर्ति हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 जून सन 2001। जन्म का समय दोपहर में 12:45, जन्म स्थान है नोएडा। कीर्ति पूछ रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब की संभावना बनती है, और अगर नहीं बनती है तो मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। कीर्ति, आपकी कुंडली के अनुसार आप शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करिए। शिक्षा क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। साल 2025 इसके लिए बहुत उपयुक्त दिखाई दे रहा है, तो आप अपने प्रयास बनाए रखें। फिलहाल रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 22 अक्टूबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 22 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में पैसे रुपए की दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य में भी आपके उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। अप्रैल के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। परिवार का सहयोग पूरे साल भर आपके साथ बना रहेगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर अगर भगवान भैरव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है कि क्या भगवान शिव को तांबे के लोटे से दूध अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा करना मना है। देखिए, तांबे का मतलब है कॉपर और दूध में होता है सल्फेट, तो तांबे में दूध का मतलब कॉपर सल्फेट यानी पॉइजन, तूतिया। इसीलिए तांबे के पात्र में दूध पूरी तरह से विष बन जाता है, ऐसे में ये दूध अर्पित करना उचित नहीं होगा। तांबे के पात्र से दूध अर्पित करना या दूध ग्रहण करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और अब बात करेंगे 22 अक्टूबर 2024 के शुभ पहर की। अब जान लेते हैं दिनांक 22 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। वर्तमान में प्रेजेंटली
अगर कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 22 अक्टूबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग कैसे पूजा करें कि उन्हें लाभ हो। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। आपको नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या और आपके आत्मविश्वास की समस्या हल होगी। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जहां हर दिन पंडित जी हमें बताते हैं एक महा उपाय। तो बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो और उसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो क्या करेंगे? जिसके प्रति गलती हुई हो उससे हृदय से क्षमा याचना करें, एक दिन का उपवास रखें और उपवास वाले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं और भविष्य में गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी ऐसा संकल्प लीजिएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।